और एक बड़ी खबर इस वक्त हमें झांसी से मिल रही है, क्रांतिवीरों का अपमान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं। यह अपमान और तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जूते चप्पल रखे हुए हैं क्रांतिवीर की तस्वीरों के साथ, फोटो से सटाकर रखे गए हैं। ये अपमान बहस फोटो खिंचवाने की होड़ के लिए किया गया। मौका था, आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद की जयंती का, जिसके लिए तमाम नेता और समाजसेवी एकत्रित हुए। यहाँ सभी लोगों ने एक तरफ जहाँ चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माला पहनाया, तो वहीं दूसरी ओर राजगुरु भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई के फोटो से सज कर अपने जूते चप्पल उतार दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्रांतिवीरों का अपमान किया गया है झांसी में, और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, राजगुरु, इनकी फोटो के सामने सट कर जूते चप्पल जो है उतारे गए। जब के न्यूज की टीम ने इस बात को वहां के लोगों से को याद दिलाया, तो कई समाज सेवियों को इसकी निंदा की और अपनी गलती भी सुधारी। लेकिन झांसी विधानसभा सीट में सपा के उम्मीदवार दीपाला कुशवाहा ने इस मामले को नॉर्मल बताया। बड़ी अजीब बात, जो क्रांतिवीर हैं उनकी तस्वीरों के सामने जूते उतारे जाते हैं और मामले को नॉर्मल बताया जाता है। झांसी से एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त आप देखें। सबकी श्रद्धाएं अपनी अपनी जगह है, स्वाभाविक है। जिन्होंने देश में इतनी बड़ी श्रद्धांजलि, जिन्होंने अपनी जिंदगी को, तमाम जिंदगी को जो है देश के लिए निछावर कर दिया, अगर हम उनको जूते चप्पल बाहर उतार करके कि अगर हम लोग उनको एक रिस्पेक्ट दे सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोगों की अपनी सत्ता होती, कोई इसमें कोई प्रावधान नहीं है।